हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गंगवार इंस्टीट्यूट फॉर नीट चैनल। तीन जरूरी बातें हैं जो मुझे आपसे शेयर करनी थी, दैट्स व्हाई आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। जो सबसे पहली और फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है इस समय के लिए, वो ये है कि बाहर एक वायरस का आउटब्रेक है। आप बेहतर तरीके से जानते भी होंगे थ्रू सोशल मीडिया एंड ऑल दीज थिंग्स। डोंट टेक इट जस्ट एज अ जोक, ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, वर्ल्ड वाइड है। हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा इसके लिए प्रिकॉशंस लेनी है, और प्रिकॉशन आप बेहतर तरीके से जानते हैं, हाथ धुलने हैं, बाहर नहीं जाना है, गैदरिंग्स में नहीं जाना है, और बाहर की किसी चीज़ को खाना नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको जो मेरी तरफ से एडवाइस है एट दिस मोमेंट, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दूसरी जो बात है कि आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है और बिकॉज ऑफ दिस आउटब्रेक आपकी क्लासेज अभी नहीं हो पा रही हैं, तो इसका एक पॉजिटिव साइड भी है बच्चों। जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है तो हम खुद कोशिश करते हैं कि हमें कहीं से आइसोलेशन मिले, हम पढ़ाई कर सकें, हमें कमरे में बंद रहें, हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। लकीली यू आर गेटिंग दैट, आपको इस समय कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। 6-7-8 दिन जो भी हैं आप बाहर के सारे कॉन्टैक्ट्स तोड़ सकते हैं, और अपने घर पे इसको पॉजिटिवली लेकर आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि आप इस समय में घबराएं नहीं। डोंट गेट इन्वॉल्व इन एनी ऑफ द डिस्कशन, कीप योर फ़ोन ऑफ, जस्ट सिट एट योर होम, और जो भी आपने अब तक पूरा पढ़ा है उसको आप तसल्ली से रिवाइज़ करें। घबराएं नहीं, जब भी कोई रिवीजन करता है, चाहे वो मैथ है या कोई भी स्टूडेंट होता है, तो उसको लगता है कि अभी तो कुछ तैयार नहीं है, पुराना सारा कंटेंट बचा है, कहाँ से शुरू करूँ, कैसे करूँ। इसका एकमात्र समाधान होता है आप सुबह उठें, किताब उठाएँ, और जो भी आपको फर्स्ट चैप्टर मिल रहा है आप वहाँ से स्टार्ट करें और करना शुरू कर दें। अगले 2-3-4 घंटे में बहुत सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी कि आपको आगे क्या करना है। बट अगर आप केवल साइलेंटली बैठ के सोचते रहेंगे तो ये जो गोल्डन टाइम मिला है आपको, ये वेस्ट हो जाएगा, और इसका फ़र्क सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर पड़ेगा। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इस टाइम को जितना बेहतर यूज़ कर सकते हैं यूज़ करें। 7-8 दिन 9-10 दिन क्लास नहीं चलने से दैट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट यू मच। हम उसको बाद में ऑनलाइन मोड से, ऑफलाइन मोड से, हर तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी अभी आपका ऑर्गेनिक का पोर्शन बचा है उसको मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वेरी सून इट विल बी अवेलेबल ऑनलाइन। एंड जब भी क्लासेस चलती हैं तो आप उस टाइम पे 22 मार्च के बाद अगर क्लासेस चलती हैं, वी विल कवर इट इन द ऑफलाइन मोड ऑल्सो। आपके जो कुछ चैप्टर्स में प्रॉब्लम है आप उनको सेलेक्टिवली भी कर सकते हैं, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखें कि अगर ये जो ड्यूरेशन है, जो 7-8 दिन का एग्ज़ाम जब नज़दीक आ जाता है बच्चों, तो एक एक दिन बहुत मायने रखता है। आपकी साल भर की पढ़ाई एक दिन में वेस्ट हो सकती है, ट्रस्ट मी। तो इस टाइम पे आपको बहुत ही कॉन्शियस रहना है, और इन 7-8 दिन को आप जितना बेहतर यूज़ कर सकते हैं उतना करें। किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यू आर द एग्जामिनी, यू हैव टू डिसाइड। जस्ट क्लोज योर सेल्फ इन साइड अ रूम एंड स्टार्ट डूइंग योर स्टडी, दैट इज अ सजेशन फ्रॉम माई साइड। और ऑर्गेनिक का जो पोर्शन बचा हुआ है, वी विल कवर इट बाय ऑल द मींस। हम यहाँ पर अवेलेबल भी रहेंगे, आप अपने क्वेश्चंस हमसे पूछ सकते हैं। ऑफलाइन मोड में भी हम क्लासेस बाद में चलाएंगे, ऑनलाइन अभी मैं रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ, दैट विल बी अवेलेबल वेरी सून। दैट इज़ द बेस्ट दैट वी कैन डू राइट नाउ, बिकॉज इट्स अ वर्ल्ड वाइड पैंडेमिक, तो और कोई समाधान हो नहीं सकता है, अभी हम क्लासेस स्टार्ट कर नहीं सकते हैं। बट इससे घबराने की या इस परिस्थिति को नेगेटिवली लेने का कोई सेंस नहीं है इस टाइम पे। इट्स अ वेरी गुड सिचुएशन फॉर एन एग्जामिनी, आप इसका यूज़ करें। दैट्स अ सजेशन फ्रॉम अ सीनियर। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज, कीप स्टडिंग।